हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में। तो आज हम पढ़ेंगे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पॉलिटिक है, और टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगी, समझने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। आप लोग टॉपिक स्टडी करके, थ्योरी से स्टडी करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। और यहाँ पर हम बाकायदा कंटेंट भी यहाँ पर इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं था इनिशियली, ठीक है। दीज वेयर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, इसमें ऐड किया गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किस कमेटी के नाम पे, रिकमेंडेशन पे तो स्वर्ण सिंह कमेटी के, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। द आइडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया कहाँ से लिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये लिया गया, याद रखिएगा, USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दिस सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन, ये किसके लिए है बेसिकली, तो सिटीजन को रिमाइंडर देने के लिए है दैट वाइल इंजॉइंग द राइट्स, अपना राइट इंजॉय करते टाइम दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज दे ओ टू द कंट्री, तो देश के प्रति क्या ड्यूटी है उसके प्रति भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिटीजन को ये रिमाइंड कराती है फंडामेंटल ड्यूटीज। देर इज नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दे आर नो नॉट को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, तो लीगल ड्यूटीज से कोई इसका संबंध नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, कानून नहीं बनाया गया है इसको इन्फोर्स करने के लिए। DPSP की तरह ही द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल, ये भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसका वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। देर इज नो लीगल सैंक्शन, कोई लीगल कानूनन सैंक्शन नहीं मिला हुआ है इसको लागू करने का अगेंस्ट वायलेशन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू सिटीजन्स एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर्स, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरनर्स के लिए नहीं है ये। रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी विच वे नॉट एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ एक्सेप्ट कर लिए कुछ नहीं किए गए, जो एक्सेप्ट नहीं किए उनमें से कुछ खास है, जैसे कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एनी पेनाल्टी फॉर फेलियर ऑफ टू एडहेयर टू एनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मान रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के फाइन लगा सकती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं माना गया, ये ड्यूटी में नहीं, ये नहीं डाला गया, ठीक है। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी कुड बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, और कोई भी लॉ जो इस तरह का पेनल्टी लगाएगा उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन किया जाएगा, इसको भी नहीं माना गया, चूंकि अब पेनल्टी ही नहीं लगाया गया तो फिर कोर्ट में क्वेश्चन की बात ही खत्म हो गई। ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी जानने की बात कही गई थी कि टैक्स पे करने का ड्यूटी जो है ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका 2017 में, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो सही है। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी, क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस हुआ है, प्रक्रिया हुआ है, कोई कानून, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। दे आर को रिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज, बिल्कुल नहीं, कोई लीगैलिटी से कोई संबंध नहीं इसका, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर है आपका डी, नाइदर वन और टू, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, क्या क्या ड्यूटीज है, पहला है इंपॉर्टेंट टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो नेशनल फ्लैग एंथम हो गया हमारे संविधान के क्या आदर्श है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसको सम्मान देना है, ये हमारा ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है उसको चेरिश करना है, एक नोबल आइडियल्स उसको फॉलो करना है, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। टू डिफेंड द कंट्रीज एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी अगर देश को जरूरत पड़े, लड़ाई युद्ध वगैरह हो तो नेशनल सर्विस में हमें जाना चाहिए लड़ने के लिए, ठीक है। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शन डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो ये बोल रहा है कि हारमोनी हमें क्रिएट करना है, भाईचारे का भावना क्रिएट करना है लोगों के बीच में, अक्रॉस द लाइन्स, चाहे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल और डाइवर्सिटी कितनी भी क्यों ना हो,
और महिलाओं वैसा जो प्रैक्टिस जो महिलाओं के सम्मान के लिए डेरोगेटरी हो उसको त्याग करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, हमारा कल्चर जो है उसको बहुत ही प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, उसको यू नो इन्जॉय करना है, वैल्यू देना है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन रखना है, बचा के रखना है, इन्वायरमेंट के लिए जंगल पेड़ पौधे को बचा के रखना है, ये भी क्या ड्यूटी है हमारा। टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेंपर क्रिएट करना है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इन टू एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, सभी स्फीयर में हमें कोशिश करनी है कि हम बहुत डेवलपमेंट करें। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट, ताकि जो नेशन है हमारा देश है हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो ये क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, 10 ड्यूटी है। अब इसमें क्वेश्चन आया था 2014 में कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन द, कहाँ पे, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में बनाया गया था। इसका आंसर हो गया डी। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से दो ही क्वेश्चन आए थे पिछले लगभग 9-10 साल में। तो ये था आपका, तो इस वीडियो में इतना ही रखते, फिर आगे की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा यहाँ तक पहुँचे तो, ठीक है।